जैन सर, जय हिंद। सर मेरी नाम तनुश्री है और मुझे जम्मू एवं कश्मीर का आर्डर अलोकेट हुआ है। मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर श्रीनगर में हुई थी। इंटेलिजेंस और फोर्सेस का यूज करते हुए पुलिस कैसे आतंकवादी गतिविधियों से लड़कर देश की सुरक्षा में कार्य कर रही है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिला देखने को। वहां पे सर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में भी पार्ट लेने का मौका मिला मुझे। सिक्योरिटी फोर्सेस सर एक जुनैद सहराई नामक आतंकवादी को काफी लंबे समय से पकड़ने का प्रयास कर रही थी। जुनैद हिजबुल मुजाहिदीन में कमांडर था और वैली में रिक्रूटमेंट का कार्यभार संभालता था। सर 18 मई को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को यह खबर मिली कि वो अपने एक आतंकी साथी के साथ किसी समर्थक के घर पे था, तो तुरंत ही पुलिस एसओजी और सीआरपीएफ की एक टीम ने योजना बनाकर घर को घेरा और आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही सर हम घर के अंदर गए, आतंकियों ने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू की जिसमें हमारा एक जवान भी घायल हो गया। सर पर्सनली मेरे लिए काफी भयभीत करने वाला क्षण था, बट जैसा कि हमारे जवान और टीम ने साहस दिखाया, ना कि सिर्फ घायल जवान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, बल्कि ऑपरेशन को तब तक चालू रखा जब तक हमने दोनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया। सर चूंकि यह घर शहरी जगह पे स्थित था, इसीलिए पुलिस को काफी और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, जैसे आमजन की रक्षा और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ना डेवलप हो सके, इसका भी ख्याल रखना। सर मुझे पहली बार मानवीय चेहरा का भी देखने को मिला मौका पुलिस का, क्योंकि जहां पे एक टीम ऑपरेशन देख रही थी, वहीं दूसरी टीम सर निर्दोष व्यक्तियों को, जिसमें महिलाएं बच्चे और वृद्ध शामिल थे, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी, और एक दूसरी टीम पत्थरबाजों से भी निपट रही थी। सर मेरे लिए यह पुनः पुष्टि हुई थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा और निर्दोष व्यक्ति की सुरक्षा में अगर एक पुलिसकर्मी को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो यह हमारे लिए प्राथमिकता होती है। तनुश्री, आप मूल कहां से हैं सर? मैं बिहार से हूं सर। और पढ़ाई क्या हुई आपकी? सर मैंने निफ्ट गांधीनगर से टेक्सटाइल डिजाइन में स्नातक अच्छा, आपकी किया। गुजरात में जाकर क्या आई हो? यस सर। तो ये टेक्सटाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी? सर ट्रेनिंग अच्छी मिली है सर, कर लूंगी। देखिए, टेक्सटाइल में धागे जोड़ने होते हैं और टेरर में धागे खोलने होते हैं, तो बहुत ही दो अलग अलग पहलू के काम करने पड़ेंगे आपको। यस सर। चलिए, मैं थोड़ा पुलिसिंग के सिवाय, आप मेरा मन करता है मैं आपसे बात करूं। ये ठीक है कि जो हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, लगातार टेरर की घटनाएं, वही मेन न्यूज होते हैं। इसके सिवाय भी इस पूरे क्षेत्र की विशेषताएं, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, बेली हो, करगिल हो, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे काफी समय वहां काम करने का मौका मिला है, किसी समय सचमुच में बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, और मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से उनकी जो खुशनुमा जिंदगी है वो हम वापस ले पाएंगे। लेकिन आपने टेक्सटाइल किया हुआ है और कश्मीर की ये ताकत है, कश्मीर की विशेष ताकत है। आप बैठिए तनुश्री, आप बैठिए। कश्मीर की एक विशेष ताकत है और इसलिए वहां हर घर में, उनकी उंगलियों में, आप लोग जो चार चार पांच साल पढ़ाई करके लेके आते हो ना, उससे ज्यादा ताकत उनकी उंगलियों में होती है। जिस प्रकार के शॉल वगैरह वो हाथ से बनाते हैं, टेक्सटाइल का काम जो वहां होता है वो अद्भुत है। आप पुलिसिंग के समय भी, महीने में अगर आपको दो दिन, तीन दिन, चार दिन भी अगर छुट्टी मिलती है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जहां भी आपकी ड्यूटी लगे, आप वहां की जो बहनें हैं उनके छोटे छोटे समूह बनाइए, 10-10 का,
पांच पांच का, दस का, पंद्रह का, और जिनके पास रूटीन में वो टेक्सटाइल से संबंधित कुछ न कुछ काम करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में यूनिफॉर्म के सिवाय उनके साथ घुल मिल करके ऐसे पांच सात दस ग्रुप बना दीजिए जैसी आपकी क्षमता, और जो आपके टेक्सटाइल के अनुभव है और वे परंपरागत रूप से जिस टेक्स, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनको मॉडर्न डिजाइनिंग सिखाइए। आप देखिए आपकी पुलिसिंग की ताकत में भी ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। तो मैं आपको तो बिल्कुल दूसरे रास्ते का काम दे रहा हूं, क्योंकि सचमुच में आप उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हूं इन लोगों से, कभी आपको अद्भुत अनुभव होगा। इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यार से रखते हैं, और उनमें कुछ न कुछ नया करने की, सीखने की ताकत होती है। तो आप जरूर उस पर बल दीजिए, और हम लोग सामूहिक प्रयत्न से जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं उनको पहले से रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है, और वो काम महिला पुलिस अफसरों से बहुत अच्छा हो सकता है। उन बच्चों को वापस लेने में, उनकी माताओं को समझाने में बहुत बड़ा काम हमारी विमेन फोर्स कर सकती है। मुझे विश्वास है कि आप उस प्रकार का नेतृत्व दोगी और गलत रास्ते पर जाने से पहले ही बच्चों को बचा ले, उसी दिशा में हम काम कर लेंगे तो शायद बहुत बड़ी सेवा होगी। तो तनुश्री, मेरी आपको शुभकामना है, और गांधीनगर से आपने जो पाया है वो जरूर वहां पर भी रंग लाएगा। थैंक यू सर।